नमस्ते, मैं डॉक्टर मनन मेहता और आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा विटामिन आर के बारे में। विटामिन ए बी सी डी ई के बारे में सब जानते हैं, बट व्हाट इज विटामिन आर एंड विटामिन आर की डेफिशिएंसी नियरली 80% लोगों में पाई गई है। विटामिन आर की डेफिशिएंसी के कारण कई सैकड़ों बीमारियां भी होती है, बट वी आर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज विटामिन आर। तो ये वीडियो देखिए आप, दिस इज अ टेल ऑफ अ लिजर्ड। ये छिपकली की पूंछ है जो छिपकली से कट चुकी है, फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली ये बिल्कुल अनकंफर्टेबल स्ट्रेस सिचुएशन में इट इज गोइंग ऑन एंड ऑन सफरिंग। हमारी लाइफस्टाइल भी कुछ इसी तरह की हो चुकी है। प्रॉब्लम, इंसिडेंट एंड व्हाटएवर इज द ट्रिगर, वो खत्म हो जाने के बाद भी हमारी बॉडी में रह जाता है स्ट्रेस, एंड दैट स्ट्रेस विच रिमेन्स बिहाइंड, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस डेफिनेशन के हिसाब से एक इमोशनल या फिजिकल टेंशन का स्टेट होता है। वो कोई भी ट्रिगर के कारण आ सकता है और आपको बहुत सारे इमोशन फील करवाता है। ये भावनाएं ज्यादातर निगेटिव होती है। हाउएवर, आपकी बॉडी कोई चैलेंज है, कोई डिमांड है, तो उसके रिस्पांस में एक छोटे अरसे के लिए स्ट्रेस बहुत पॉजिटिव भी होता है। जैसे कि हम कोई मीटिंग प्लान कर रहे हैं, हम कोई खतरा अवॉइड कर रहे हैं, या फिर हम कोई पार्टी प्लान कर रहे हैं, या फिर हमें एक्साइटमेंट है कि कल हमारा बर्थडे है तो कल हमारा सेलिब्रेशन क्या होगा, या कोई अचीवमेंट मिलने वाला है, तो उस चीज के बारे में जब हम सोचते हैं, उस चीज के बारे में जब हम स्ट्रेस लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग, That is a positive impact of stress. किंतु अगर ये heightened state जो है हमारा, ये अगर ज्यादा अरसे तक रहता है, तो ये stress के कारण हमारी body पे कई negative effects हो सकते हैं। जब भी stress होता है body में, तो एक fight, flight या fright syndrome आता है, यानी कि डर जाना है, लड़ लेना है या भाग जाना है। तो ये हार्मोन जो stimulate होते हैं, ये हम सोचेंगे कि चलो कोई शेर वेर आया सामने, या जब एकदम से सामने वाली कार ने ब्रेक लगाई तब, या फिर अगर आप बिना लाइसेंस के ड्राइव कर रहे हैं तो हवलदार ने कैच किया तब होगा। बट ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन, आप कुछ करने बैठे हैं, बॉस का फोन आ गया, किसी पेशेंट के रिपोर्ट आ गए, स्टॉक मार्केट का कुछ पिंग आया, आपको पता भी नहीं है कि वो गुड न्यूज है या बैड न्यूज है, बट वो भी एक स्ट्रेस ट्रिगर कर सकती है। लोन की डिमांड है, वेदर खराब है, हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आर देयर, ट्रैवल करना है, देर आर हंड्रेड्स एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स जो आपको स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं, एंड वो आपके बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट्स लाते हैं। कैसे? तो ये स्ट्रेस जो है, ये जो हम जो भी एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सटर्नल ट्रिगर्स होते हैं, वो वॉलेंट्री होते हैं, और कभी कभी ये इनवॉलेंट्री एक लेवल पे जाके स्ट्रेस हमारे लिए परमानेंट हो जाता है। हमारी जो हाइपोथैलेमस करके एक ग्रंथि रहती है, जो ब्रेन के बिल्कुल सेंटर में, दो कान के सेंटर में, एंड अपने ऑक्सीपुट और ये नेसोफ्रॉन्टल जंक्शन के बीच में सेंटर में रहती है, वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड करके ग्रंथि रहती है। सो वहां से जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो ACTH जाके किडनी के ऊपर बैठे एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करते हैं, और एड्रीनल ग्लैंड से कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं, जिसमें से एक कॉर्टिसोल भी है, जो जाके आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। तो अगर मुझे भाग जाना है या अगर मुझे लड़ना है, तो बॉडी को क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? बॉडी को चाहिएगा कि बीपी ज्यादा बने, बीपी को चाहिएगा हार्ट रेट बने, उसको चाहिएगा ऑक्सीजन अच्छा चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए शुगर बढ़नी चाहिए, डाइजेशन को स्लो डाउन करो, जितना है उसमें से पूरी तरह निकालो, विजन जो है हमारी वाइड की जगह वो घबराहट में, वो टेंशन में नैरो हो जाती है। सो ये इफेक्ट्स जो है वो एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, ये हॉर्मोन्स क्रिएट करते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है, बट अगर ये लॉन्ग टर्म हो जाती है तो ये चीजें जाके, नंबर वन, लिवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके लिवर के रिजर्व्स को ड्रेन करती है, बीपी मैंने जिस तरह बढ़ाती है, स्वेटिंग बढ़ जाता है, ब्रीदिंग चेंजेस आ जाते हैं, लंग्स पे प्रेशर आता है, हार्ट रेट बीट्स फास्ट, और हार्ट तो नेचुरल ऑर्गन ही है, हमारे हार्ट के सीरीज में देखा, उसको बीट करने के लिए तो खुद को ही ऑक्सीजन और ब्लड चाहिए, विजन बिकम्स नैरो, डाइजेशन स्लोस डाउन, और यही सारे ऑर्गन्स हैं जिस पे स्ट्रेस के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हम
फेस करते हैं. एंड इसके कारण ऑल द प्रॉब्लम्स विच यू कैन इमेजिन हैपन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. तो ये स्ट्रेस का ट्रीटमेंट क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस इज विटामिन आर. विटामिन आर आप डेली बेसिस पे अगर थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो आपका स्ट्रेस सॉल्व हो सकता है. विटामिन आर इज नथिंग बट इट्स विटामिन रिलैक्स. ये कोई गोली या कैप्सूल नहीं है जो आप खा सकते हैं. इट इज जस्ट अ मेंटल स्टेट कॉल्ड विटामिन रिलैक्स. सो स्ट्रेस कैन कॉज स्किन प्रॉब्लम्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स, मेमोरी लॉस, वेट गेन, स्टमक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, डायरिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो कहते हैं. इट कैन कॉज योर अनकंट्रोल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस. इट कैन कॉज प्रॉब्लम इन पैंक्रियाज अल्फा बीटा दोनों सेल्स में. इनफर्टिलिटी क्रिएट हो सकती है. इम्यून सिस्टम डाउन होकर इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं. जॉइंट्स में पेन वगैरह की संभावना बढ़ जाती है. इस वजह से हेडेक्स ज्यादा होने लग जाते हैं. एस्थमा वर्सन हो जाता है. वेट गेन रिवर्स नहीं कर पा रहे. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द होते रहता है. फ्रेशनेस फील नहीं होती है. एंड हमेशा इरिटेबिलिटी के कारण हमारी परफॉर्मेंस डल हो जाती है. परफॉर्मेंस डल हुई, स्ट्रेस बढ़ गया क्योंकि वर्क बराबर नहीं हुआ और परफॉर्मेंस डल हो गई. इट्स अ विशियस साइकिल एंड द ओनली वे टू ब्रेक इट इज विथ योर विटामिन आर. देखिए, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि मैं विटामिन आर कहां से इकट्ठा करूं. कल आप सारी प्रॉब्लम्स किसी भी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे तो आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स, आपके कॉलीग्स, आपके जूनियर्स, आपके बच्चों के साथ ये भी डिस्कस करें कि विटामिन आर कहां से लाएं. देखिए, प्रॉब्लम्स में अपियर मल्टीफोल्ड. कितने सारे लोग मिलके, ये जो आप बीच में खड़े, इतने सारे हाथ आके आपको खींच रहे कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी ला के दो, वो भी ला के दो. पर जब आप एक्चुअली फ्लिप साइड ये इमेज प्रॉपरली देखेंगे तो एक्चुअली इन दिस इमेज प्रॉब्लम तो एक ही है, उसके रिफ्लेक्शन कई ज्यादा है और हम ही हमारी प्रॉब्लम्स को मैग्निफाई कर देते हैं. सो प्रॉब्लम्स जो है वो मैंडेटरी है. अगर लाइफ है वो मैंडेटरी है. चैलेंजेस आएंगे, मिशंस आएंगे, नए नए आपकी चीजें करनी होंगी, नए नए प्रेशर्स आएंगे, वो मैंडेटरी है. स्ट्रेस मैंडेटरी नहीं है. किसी चीज के बारे में चिंता करना, उसको बखूबी निभाना है, वो डिटर्मिनेशन से काम करना, वो मैंडेटरी है. पर उसके बारे में स्ट्रेस्ड होके कंटिन्यूस अपनी हेल्थ को अफेक्ट होने देना, ये मैंडेटरी नहीं है. गोल्स, टारगेट, ड्रीम्स सबके होने चाहिए क्योंकि उसके बिना लाइफ खाली है. हम ह्यूमन बीइंग बने ही क्यों? नहीं तो सिर्फ खाओ, पियो, रिप्रोड्यूस करो और मर जाओ. बट वी मस्ट हैव दिस. बट ये चीज में हार्मनी मत भूलिए, माइंड बॉडी की हार्मनी मत भूलिए. जो चलाने के लिए दिया वो अगर दौड़ा रहे तो जो पैर दौड़ाने के लिए दिए उनको चलाओ तो सही, तो ही बैलेंस मेंटेन रहेगा. एंड फाइनली, जो भी गोल, टारगेट, ड्रीम आप चेस कर रहे हैं, अपने आप से पूछिए, ये क्या वास्तव में आपके ड्रीम्स हैं, आपके टारगेट्स हैं, आपके गोल्स हैं, या किसी और के हैं और आप सिर्फ एक पेचेक के लिए उसके पीछे पड़े हैं, या सिर्फ कोई इमोशनल कमिटमेंट के लिए उसके पीछे पड़े. यू मस्ट टेक दैट स्टेप बैक एंड आस्क योरसेल्फ. नेक्स्ट स्टेप फॉर विटामिन आर इज आपकी सारी प्रॉब्लम्स को एक डायरी लीजिए, अभी बैठिए और उसको डिवाइड कीजिए टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल. टेंजिबल मतलब जिसपे आपका कंट्रोल है, नॉन टेंजिबल मतलब जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते. अब मुझे, मैं चाहता हूं कि मुझे कभी भी हार्ट अटैक ना आए, वो तो नॉन टेंजिबल हो गया. बट हार्ट अटैक ना आए उसके लिए टेंजिबल क्या है? बीपी कंट्रोल रखेंगे, शुगर कंट्रोल रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखेंगे, डाइट अच्छी रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, विटामिन आर का उपयोग करके स्ट्रेस कम करेंगे, वो तो टेंजिबल्स है, वो तो हम कर सकते हैं. इसी तरह सारी प्रॉब्लम्स को डिवाइड कीजिए. अगर कुछ टेंजिबल है तो उसको छोड़िए मत, उसके पीछे पड़िए जब तक आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं कि अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये नॉन टेंजिबल बन गया. और जो नॉन टेंजिबल है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसपे, उसके पीछे सर फोड़ के फायदा भी क्या. दिस इज एन एसेंशियल स्टेप. आइज़ैक एसिमोव ने कहा था, हैप्पीनेस मतलब इज द फीलिंग दैट यू शुड बी समवेयर एल्स, यू शुड बी डूइंग समथिंग एल्स, यू बीइंग समवन एल्स. अगर ये तीन चैप्टर हैं आपके तो आप हैप्पी नहीं है. अगर आपको इस समय कहीं और होना है, कुछ और करना है, कोई और इंसान बनना है, तो आप अभी खुश नहीं है. तो आइज़ैक एसिमोव ने ये कहा था कि शायद कंप्लीट खुशी यही है कि मैं अभी जिस मोमेंट में हूं, जहां हूं, जो कर रहा हूं, मैं उसमें कंप्लीटली रिलैक्स्ड हूं. वही शायद एक तरह की
खुशी है वही शायद एक अल्टीमेट विटामिन आर है। तो सिंग, डांस, रन, साइकिल चलाओ, सो जाओ, कुछ स्पोर्ट खेलने जाओ, पार्टी करो, हॉलीडे करो, कुछ अच्छा पढ़ लो, कुछ अच्छा देख लो, हंसो, एक दूसरे से बातें करो, जिसको नहीं मिले उससे मिलो। बट सिगरेट पी लिया, शराब पी ली, ओवर ईटिंग कर लिया, वो जाके यही सेम खाते पीते वक्त एस्केप होके यही प्रॉब्लम्स के बारे में बार बार बातें की, दैट इज नॉट द वे यू कैन डी स्ट्रेस। उसमें आपको विटामिन आर नहीं मिलने वाला। द रीजन वाई आई मेक दिस विटामिन आर वीडियो, वेरी रिसेंटली समवन हु वाज अ पार्ट ऑफ आवर मेडिकल कम्युनिटी, वेरी यंग एज, आई गॉट द सैड न्यूज फ्रॉम अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दैट ही पास्ड अवे। इट वॉज हिज कॉलीग एंड देयर वॉज नथिंग, नो हिस्ट्री, सडन हार्ट अटैक एंड पास्ड अवे, एंड द मेन रीजन वॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो अब आप स्ट्रेस यही चीज के बारे में कीजिए कि मैं डी स्ट्रेस कैसे करूं। विटामिन आर को पूरी तरह रिचार्ज कीजिए तो ही आपकी बैटरी लंबी चलेगी, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज यूजफुल एंड यूजलेस। मेरे पास भी कोई बड़े आंसर्स नहीं है, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े साधु, पोएट, एक्टर, राइटर, सब ये लिख लिख के इसके बारे में चले गए। आई थिंक छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स कीजिए, अच्छे सीनियर, अच्छे कॉलीग, पॉजिटिव यंगस्टर्स को अपने साथ रखिए, तो ही हमें इसमें कुछ प्रोग्रेस मिल पाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।